छात्रावास में आज हम आए हैं भीम स्मृति बुद्ध विहार में। विहार में प्रवेश करते ही हमें दो पीपल के पेड़ दिखते हैं तथा एक नीले रंग का ध्वज है जो हमें एकता का मार्ग दिखाता है। नमो बुद्धाय। आज हम आए हैं चंदन नगर नागपुर स्थित भीम स्मृति बुद्ध विहार में। यहाँ हमारे साथ एकत्रित है हमारे उपासक और उपासिकाएं विहार के अंदर। तो चलिए चलते हैं विहार के अंदर और जानते हैं कि कैसे ये उपासक उपासिकाएं मनाते हैं वर्षावन। सभी जानते हैं कि बुद्ध परंपरा में हर अच्छे काम की शुरुआत के पहले बुद्ध वंदना ली जाती है। तो आइए अब ग्रहण करते हैं हम त्रिशरण पंचशील हमारे पंते जी। वर्षा म्हणजे पाऊस आणि वास म्हणजे राहणे। जेव्हा तथागत आपल्या धम्म उपदेशाला निघालेले होते तेव्हा उन्हाळा हिवाळा आणि पावसाळा तेव्हा सुरू राहायचा। उन्हाळ्यामध्ये ते फिरायचे, हिवाळ्यात थंडीमध्ये सुद्धा फिरायचे, परंतु पावसाळ्यामध्ये आपली जी उपजीविका कशी करायची म्हणजे आपलं जे भोजन आहे भोजनाशिवाय आपण आपल्याला शक्ती मिळणार नाही, आपण उपदेश करू शकणार नाही। मग अशा वेळेस त्यांचे जे शिष्य होते इतर भंते जे होते आणि ते सुद्धा मग अशा वेळेस आपण भोजन कुठून करायचं, कसं करायचं, पावसात ओले चिंब हो उपदेश तर करावाच लागेल म्हणून ते त्यांनी एक विहार स्थळ ठरवलं आणि एका ठिकाणी ते वास्तव्य करायला लागले। आणि काही दिवसापुरता ते अन्न गोळा करून आधीच अन्न गोळा करून संग्रह करून ते आपले एका ठिकाणी राहू लागले, एका विहारात राहू लागले आणि वर्षा ऋतूमध्ये अशा प्रकारे ते आपले भोजनाची त्यांनी व्यवस्था करायला लागले आणि उपदेश सुद्धा ते द्यायला लागले। असा हा वर्षावास। आषाढ पौर्णिमा से वर्षावास की सुरुवात होती है कि इस वर्षावास के काल में भिक्षुओं को एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए जो कठिनाइयां होती है उससे मुक्त रहने के लिए उन्होंने एक स्थान ग्रहण करना है, एक जगह खोजना है और वहाँ मैंने जो धम्म मार्ग बताया है, मैंने जो मध्यम मार्ग बताया है उसका आप ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, पठन करें और उस ज्ञान से खुद निर्वाण की ओर जाए, इस बल इस फल को प्राप्त करें। ये धर्म का अंतिम फल लाभ है। इसी तरह इस वर्षावास का ये महत्व जानकर आप लोग भी उसको श्री सदाचार के माध्यम से उसको धारण करके निर्वाण की ओर जाने के लिए दुख मुक्ति के लिए इस वर्षावास में आप श्री सदाचार का पालन करके धर्म का पठन करें, धर्म का चिंतन करें, धर्म को सुने सुने और धारण करें। तथागत भगवान बुद्ध का जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तब वो 3 महीने एक जगह रहते थे विहार में और वह जब पहला प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और जब दूसरा प्रवचन उन्होंने दिया वो श्रावस्ती में दिया। भगवान बुद्धा ने सबसे ज़्यादा वर्षावास जो है श्रावस्ती में बिताए है और ये वर्षावास का अर्थ है कि धम्म का पठन करना चाहिए, बुद्ध विहार में जाके धम्म का पठन करके वंदना करना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए और उसके बाद
दो धम्म है, प्रज्ञाशील मैत्री करुणा का उनको अनुसरना चाहिए। उस टाइम भगवान बुद्ध के वर्षवास में इतना बारिश रहता था और कहीं जाने का इन्हें पैदल जाते थे, जहाँ जाना है वहाँ प्रवचन के लिए पैदल जाते थे। तो नदी नाले में इतना पूर आता था तो पैदल भी नहीं जा सकते थे, तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने ऐसा सहय किया कि अपन एक जगह रहने का, तब ऐसे कहीं भी पहाड़ों के नीचे के झाड़ के नीचे ऐसे रह के वो प्रवचन करते थे, और प्रवचन सुनने भी तब लोग इधर उधर के आते थे, और भिक्षुगण थे, उपासक थे, वो सब भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनते थे। प्रवचन सुनने आने भगवान बुद्ध उस समय अपना उपदेश बताते लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ हमने जाना कि क्या होता है वर्षावास हमारे उपासक और उपासिकाओं से। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ वर्षावास। विशुद्धि मार्ग का प्रथम उस पांच ब्राह्मण को भगवान उपदेश करते। स्रोत है, तो सुनते हैं हमारे भंते जी से एक बोध कथा। भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया है, तो प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन किया है सारनाथ में। जब बुद्धत्व का उनको वैशाख पूर्णिमा में साक्षात्कार हुआ, उसके बाद 40 दिन तक क्रमशः उन्होंने विविध अंगों से धम्म का साक्षात्कार किया, ज्ञान का साक्षात्कार किया। समग्र ब्रह्मांड में उस उनके ज्ञान का जो प्रकाश फैला था, तो ये प्रकाश जब फैलता है तब कोई बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध इस धरती पर उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को किसको बताना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो उनका ध्यान हुआ था, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं मुझे जो छोड़कर चले गए थे जो पांच ब्राह्मण जो मेरे सेवा में लगे हुए थे, वो मेरे ज्ञान को समझकर उस ज्ञान का महत्व समझेंगे। प्रथम उनको ये दो टोक बताए, कौन से दो टोक? एक टोक ऐसा है, कामेशु काम सुकली कानु हिनो गम्मो पोतु जनी को अनरियो अनंत से। जो आर्य होता है तो इस श्रमण होता है, इस मार्ग को ग्रहण नहीं करता, काम वासना में रत रहने वाला और खाओ पियो मजा करने वाला, ऐसा जो मार्ग होता है, अत्यंत जो सुखभोगी मार्ग होता है, इनको श्रमण आर्य लोग ग्रहण नहीं करते। अत्यंत सुख भोग का मार्ग त्याग कर हम मध्यम मार्ग का स्वीकार करते हैं। मध्यम मार्ग यानी जो हमारे जरूरत से जितना लगता है, हमारे जीवन जीने के लिए जितना लगता है, हम उतना स्वीकार करेंगे। तो ये हो गया एक मार्ग। दूसरा मार्ग, अत्त किल मतान योगो दुखो अनरियो अनत, आत्मक्लेशों का मार्ग, वो मार्ग आप अभी ग्रहण नहीं करेंगे, आप मध्य मार्ग स्वीकार करेंगे। जिस मध्य मार्ग से आदमी को निर्वाण का साक्षात्कार होता है, आदमी शांति अविद्या ज्ञान का प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए ऐसा शुद्ध ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, वो आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो पहला प्रवचन उनको इस मार्ग पर देते हैं, शील सदाचार के ओर विशुद्धि मार्ग बोलते हैं उसको। विशुद्धि मार्ग का प्रथम उस पांच ब्राह्मण को भगवान उपदेश करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है हमारा विहार। तो आइए जानते हैं इस विहार के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में, और कौन से कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होते हैं और आगे फ्यूचर में किए जाएंगे। 1987 में यह विहार की स्थापना कर गई, बैठने को जगह बनाई, और इस विहार में धम्म का अच्छे तरह से पठन होता है। जितने भी बहुजनों के महापुरुष होते हैं, इनकी सारी जयंतियाँ पुण्यतिथियाँ हर वक्त लिए जाती है, और उसके माध्यम से लोगों को समता स्वतंत्र बंधुता का और तथागत के धम्म का प्रचार करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो ये हमारी विशेषता कायम रखने के लिए हमारे सारे उपासक कार्यकर्तागण बड़ी सतर्क से काम करते हैं,
और करते रहेंगे। बौद्ध विहार भीमस्मृति बौद्ध विहार असून इथे सगळ्या उपासिका वर्षवासाचा कार्यक्रम उपस्थित असतात। संध्याकाळी धम्माचं वाचन होत असते आणि त्या धम्माच्या वाचना बुद्ध आणि धम्माचं वाचन याच्यामध्ये सगळ्या उपासिका उपस्थित असतात आणि आमच्या ह्या विहारातून धम्माचा प्रचार आणि प्रसाराच्या माध्यमातून आम्ही हे कार्य करत असतो आणि ह्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांचा सुद्धा आम्हाला सहयोग होत असतो। 1987-88-89 पर्यंत आम्ही या जागेचा सर्वे करून या जागेचा प्लान तयार केला। आमच्या स्वखर्चातून म्हणजे प्रत्येकाच्या वर्गणीतून ही वास्तू तयार करायचा असा आमचा प्रयत्न होता। आठवलेंनी यामध्ये आम्हाला 25,000 देणगी दिली, परंतु आमचा हे बौद्धविहार त्याच्याने पूर्ण झालेलं नाही। आम्ही त्यानंतर या बौद्धविहार पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण तन मन धनेंनी यामध्ये जी जी टीम होती त्यामध्ये अध्यक्ष त्यावेळचे बाबूलालजी धाबर्डे यांनी कसोशीने प्रयत्न केला, आम्ही वर्गणी केली आणि हे वास्तू इथे निर्माण केलेली आहे। यामधून समाजामध्ये चांगला बुद्धाचा संदेश या वस्तूमधून जावा अशी आमची संकल्पना होती। तुम्ही जोपर्यंत शिक्षित होणार नाही, जोपर्यंत तुम्ही शिक्षा घेणार नाही, तोपर्यंत ह्या देशाचा मोठे अधिकारी तुम्ही होणार नाही, या देशामध्ये शासनकर्ती जमात होणार नाही असा विचार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितला। तोच विचार घेऊन आम्ही ह्या बुद्धविहाराची निर्मिती केलेली आहे। या बौद्धविहाराच्या सदस्यांमधून काही इथे IAS अधिकारी झालेले आहेत, काही अधिकारी झालेले आहेत, काही डॉक्टर झालेले आहेत, हे आमच्या बौद्धविहाराचा आम्ही फलित समजतो आहे। नागरिकाकडून चंदा काढून हे विहार बांधलेलं आहे आणि मी या कमिटीमध्ये सचिव म्हणून त्या पदावर अजूनही काम करत आहो आणि पुढे ह्या विहाराची सेवा करत राहील। आमचं हे विहार आहे निवड पूजेपाजेचं स्थान नसून इथं एक प्रकारचं धम्माचं प्रबोधन होत असतं आणि जेव्हा 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 चान्स मिळाला किंवा मला इथं बोलायची संधी मिळाली तर बाबासाहेबाचे आणि बुद्धाचे विचार मी सांगण्याचा माझा प्रयत्न करून एक समाजाची एक सेवा करत असतो। यहां हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ वर्षावास। क्या आप सब तैयार है सेकंड क्वेश्चन के लिए? हाँ। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, अब हमारे साथ उपस्थित है हमारे सारे उपासक और उपासिकाएं, तो चलिए इनके साथ खेलते हैं एक खेल जिसका नाम है सवाल जवाब। क्या आप सब तैयार है? हाँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में भिक्षुओं के समूह को क्या कहा जाता है? आइए, आपका नाम? वंदना गोडबोले, भिक्षु संघ। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां हो जाए इनके लिए। मैं हमारे भंते जी को आमंत्रित करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि वो इन्हें बख्शीश प्रदान करें। क्या आप सब तैयार है सेकंड क्वेश्चन के लिए? हाँ। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, भिक्षु होने के लिए बौद्ध परंपरा में कौन सा संस्कार आवश्यक है? इसका उत्तर कौन देना चाहेगा? आप आइए, आपका नाम? जीजा डबरे, उपसंपदा। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां हो जाए इनके लिए। इसी के साथ में हमारे भंते जी को अनुरोध करती हूँ कि वो आए और इन्हें बख्शीश प्रदान करे। तीसरा प्रश्न है, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद तथागत भगवान बुद्ध के मन में धम्मोपदेश के लिए सर्वप्रथम किसका नाम आया? मासा नाम है कविता लांडगे। सही उत्तर क्या है? भगवान बुद्ध का जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको ऐसा लगा कि पहला अपन उपदेश किसको देना चाहिए, आलम कला। बिल्कुल सही, तालियां हो जाए इनके लिए। हमारे भंते जी से अनुरोध करती हूँ आए और इन्हें उपहार प्रदान करें। चौथा प्रश्न है, भगवान बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु कौन है? आप आइए, आपका नाम? कल्पना गार्गे। सही उत्तर क्या है? मध्यम मार्ग। नहीं। गलत उत्तर, और कौन बताना चाहेगा? आपका नाम? गुलाबराव पुनेटकर, मानव मुक्ति का दुख। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां हो जाए इनके लिए। भंते जी से अनुरोध करती हूँ आए और इन्हें उपहार प्रदान करें।
इसी के साथ मैं आवाज इंडिया टीवी की ओर से भीम स्मृति बुद्ध विहार को एक भेंट प्रदान करना चाहूंगी। इसी तरह सवाल और जवाब का सिलसिला खत्म होता है और हमने बहुत मजा किया हमारे उपासक उपासिकाओं के साथ। उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए हमारे प्रश्नों के और जीते उपहार। तो अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है सुर से सुर मिला। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे समारोह की गाथा की तरफ और करते हैं आज के वर्षावास की समाप्ति। पूरा दिन बिताया हमारे भीम स्मृति बुद्ध विहार में। हमने यहाँ पूरे दिन आज बुद्ध वंदना ली, हमारे उपासक उपासिकाओं से जाना कि क्या होता है वर्षावास और एक खेल भी खेला जिसका नाम था सवाल जवाब। इसी के साथ आज मैं श्रुति आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन इसी वादे के साथ कि जल्दी मिलूंगी आपसे अगले विहार में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। वर्षावास का एक पूरा दिन आज हमने चंदन नगर स्थित भीम स्मृति बुद्ध विहार में मनाया। आज इस विहार में शुभ्र वस्त्रों में उपासक उपासिकाएं वर्षावास मनाने के लिए आए। आज वर्षावास के पावन अवसर में हमने भंते जी से बोध लिया और साथ ही त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया। यहाँ के सभी बुद्ध भक्तों से हमने जाना इस विहार के बारे में तथा हमने यहाँ के उपासक उपासियों के साथ सवाल जवाब भी खेले। अंत में समारोपीय गाथा भी गाई। इसी एकाग्रता के संदेश के साथ अब लेते हैं विदा। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में। नमो बुद्धाय।